तो फटाफट से ये वाला मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। हम लोगों का सर्विस कैनेडा में जाना थोड़ा था क्योंकि हम लोगों को सीन नंबर लेना था। दो तरीके के ऑप्शन थे, ऑनलाइन भी हो सकता था, ऐसा जरूरी नहीं कि ऑफलाइन जाना था, पर हमने सोचा कि कैनेडा आई है तो क्या ऑनलाइन ऑफलाइन जाएंगे नज़ारे देखते देखते। तो मेरे को अब तो अभी तक उनका फ़ोन नहीं आया अपॉइंटमेंट का, लेकिन केवल को आ गया है। 1:30 बजे की अपॉइंटमेंट है, अभी कुछ 12:30 बज रहे हैं और डिस्टेंस है 5 किलोमीटर का। अभी देखते हैं कि आगे जाके हम लोग क्या करेंगे, कैसे वहाँ पहुँचेंगे। तो मैं मेरे भी डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहा हूँ, मुझे तो फ़ोन अभी तक आया नहीं है, पर क्योंकि एक फ्रेंड ने ऐसा बोला कि उसको विदाउट अपॉइंटमेंट भी मिल चुका है। तो फट डॉक्यूमेंट्स में से दो डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, एक लेके जाना है पासपोर्ट क्योंकि गया फोन, एक लेके जाना है पासपोर्ट, दूसरा मुझे लेके जाना है जो मेरा स्टडी परमिट है वो। ये दो चीज़ मुझे लेके जानी है, उसके बाद मुझे इन दोनों डॉक्यूमेंट के बेसिस पे सिन नंबर मिल जाएगा। तो फटाफट से जूते उठते मैं पहन लेता हूँ। तो अगर किसी को नहीं पता है सिम नंबर का फुल फॉर्म क्या है, तो वो है स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन, नहीं सोशल इंश्योरेंस नंबर। सोशल इंश्योरेंस नंबर है, जिस तरीके से इंडिया में आधार कार्ड का नंबर होता है, पान कार्ड का, सबका एक अलग 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 नंबर होता है, उसी तरीके से कनाडा में सबको सिम नंबर दिया जाता है, भले वो परमानेंट रेसिडेंट पीआर हो, सिटीजन हो, या चाहे हमारी तरह टेम्प्ररी इंटरनेशनल स्टूडेंट हो। उसके बेस पे हम लोग यहाँ अगर जॉब करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे भागते हैं वहाँ पे विदाउट अपॉइंटमेंट जा रहे हैं, क्या होगा देखते हैं। ये रहे मेरे दोनों डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट एंड स्टडी परमिट। मास्क पहन लिया जाए फिर से। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... ठंडी का जो झोंका आया बाहर आते ही, तो सीन कुछ इस तरीके का था कि मैं, करण और केवल, हम तीनों को अभी सीन नंबर लेने का था। हम लोग आते ही इसके लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने आते ही रिक्वेस्ट करी थी नहीं। तो करण भाई तो हमारे सीधे चले गए सीन नंबर के ऑफिस में, बिंदास गए थे कल, उनको बोला आज आ जाओ, और उनको आज सीन नंबर दे दिया। अब मैंने और केवल ने, हम दोनों ने अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए रिक्वेस्ट डाली थी, वेब फॉर्म भरा था। तो आज केवल को फ़ोन आया और अपॉइंटमेंट भी मिल गई थी 1:30 बजे की, लेकिन जो सर्विस कनाडा का जो ऑफिस था वो हमारे घर से कुछ 5 या 6 किलोमीटर दूर था, तो केवल नहीं जा पाया। मुझे कोई फ़ोन ही नहीं आया। मैंने सोचा क्यों नहीं हम दोनों मिलकर, जो हमारे पास में 2-2.5 किलोमीटर दूर सर्विस कनाडा का जो ऑफिस है वहाँ चले जाते हैं। तो हम लोग सीधे मुंह उठा के यहाँ पर आ गए। हमने सोचा था कि अगर वो लोग पूछेंगे तो हम बता देंगे कि हम लोगों ने इस तरीके से किया था, मुझे फ़ोन नहीं आया, ये भाई को फ़ोन आया, लेकिन उनका पहुँचना शक्य नहीं था। तो हम लोग यहाँ पर आए, कुछ पूछा ही नहीं हम लोग को, सीधा दे दिया हम लोग को एक रसीद दे दी, बोले जाके बैठो वहाँ पे। गए बैठे, डॉक्यूमेंट में सिर्फ दो डॉक्यूमेंट मैंने दिखाए, एक दिखाया स्टडी परमिट, दूसरा दिखाया पासपोर्ट। उसके बेस पे मेरे को उन्होंने 5 मिनट के अंदर अंदर सिन नंबर निकाल के दे दिया, जो कि फिलहाल यहाँ मेरे बैग के अंदर पड़ा है। अब मेरे से पहले नंबर आया था केवल का, केवल भाई साहब आए नहीं है अभी तक, और मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ ऑफिस के बाहर, और वो भाई अभी तक पहुँचा नहीं है यहाँ पे। हवाओं से बचने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि इसके अंदर चला जाए, ये बस स्टैंड तो केवल की राह देखते हैं, क्योंकि एग्जिट तो यही है, तो हमारा मुन्ना आएगा तो यहीं से आएगा, तो हम दबो चलेंगे। कब आएगा, कब आएगा? तो यार ठंडी में राह देखते 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 मैं तो गया हूँ कंटाल फिर से, वो आया नहीं है। मैं बैठा हूँ यहाँ पे, अभी ये ऐसा मत समझना कि मैं कोई ऐसा हीट चैम्बर के अंदर बैठा हूँ, ठंडी ही यहाँ पे, खाली बस कांच लगा हुआ है और ये पूरा एंट्रेंस तो यहाँ से खुला है, कोई इसके अंदर हीटर वीटर नहीं, ठंडी ठंडी बैठा हूँ मैं इसके ऊपर, ठंडे से बैठा हूँ। पीछे बर्फ बर्फ दिख रही होगी शायद आप लोगों को। अब पता नहीं केवल कब आएगा ये लड़का। तो एक काम करते हैं, अभी यहाँ से थोड़ा निकलते हैं, क्योंकि यहाँ बैठे बैठे भी ठंडी तो लग रही है। मैंने सोचा थोड़ा बहुत कांच में अंदर बैठे रहेंगे, हवा के जो थोड़े बहुत झोंके, कोई तो आया नहीं है, हवा के थोड़े बहुत झोंकों से बचा जाए, लेकिन
ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, केबल तो नहीं आया है, ठंडी में मुझे मरवाएगा। और अब मजे की बात ये है कि मेरे फोन में इंटरनेट चल नहीं रहा है क्योंकि सिम कार्ड ही नहीं लिए भाई, टेक्सनाओ का नंबर यूज कर रहा है हर जगह और वाईफाई या तो यूज कर रहे हैं। अब एड्रेस ऑफलाइन मैप उसके मोबाइल में डाउनलोड कर रखा है, अब ऑफलाइन मैप भी उसके पास है, पता नहीं है हर बार ऐसा क्यों होता। लेकिन इस बार चाबी मेरे पास है घर की। यहां से सर्विस केंद्र ऑफिस चालू होते हुए ये एक लड़का तो आया है, ये केवल है। यार लाला मैं राह देखते देखते यहाँ पे ठंडी में ठुठर गया हूँ, तेरे से पहले निकला था मैं, मतलब गया लेट था निकला पहले, तो आ चुका है केवल एकदम अंदर से। तू अंदर वेट कर रहा था, अंदर मुझे वेट करने दिया ही नहीं उन लोगों ने, बोंजो करके बोला जाओ बाहर, तो भी मैंने उन लोगों को बोला कि नहीं मुझे वॉशरूम जाना है। ऐसे करते करते तो थोड़ा बहुत कन्विंस किया 5-6 मिनट तक, फिर नहीं हुए, फिर मैंने कहा चलो एग्जिट पे तो मिलेगा, मिल गया है, अब निकलते हैं यहाँ से। तो सूचना अभी थोड़ी वापिस से मैं कर रहा हूँ, आपको अपडेट दे रहा हूँ एक नवी सूचना का कि अब सीन नंबर आ गया है। तो हम सोच रहे कि लगे हाथ जब ठंडी में बाहर आए ही है तो क्यों ना स्कॉशिया बैंक में अपना GIC अकाउंट एक्टिवेट करवा लिया जाए। पब्लिक आ रही है, मास्क लगाना पड़ेगा मुझे, जब पब्लिक आती है तब मास्क लगा लेना इम्पोर्टेंट है। जब 6 फुट से ज़्यादा अगर आपके आजू बाजू में कोई ना हो तो आप मास्क को निकाल सकते हो, जैसे कि मैंने अभी निकाला, फिर भी कोशिश तो यही करने की कि मास्क लगा रखो। लेकिन मेरा कैसा सीन होता है, मास्क लगाता हूँ जोर से सांस बाहर की तरफ फेंकता हूँ, सीधी ऊपर स्टीम बन जाती है, फॉग बन जाती है मेरे चश्मे में, इसलिए मेरे को बार बार इसको निकालना पड़ता है मेरे मास्क को। लेकिन कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे तो बहुत लोग बिना मास्क के घूम रहे, फिर भी हम मास्क पहन रहे। बर्फ़ के ढेले देख सकते हो आप साइड में, ये पूरा का जो पूरा ऑफिस है ये है सर्विस कनाडा का ऑफिस। मैं फ्रंट लुक में ही जा रहा हूँ आपको, मैं ये तो एग्जिट था, फ्रंट लुक में आपको दिखा देता हूँ इस ऑफिस का किस तरीके से लग रहा है। ये मॉन्ट्रियल वाला सर्विस कनाडा का ऑफिस है। ये है एंट्रेंस इस ऑफिस की, जहाँ से वो मैडम जा रहे हैं अंदर की तरफ, यही जगह से मैं थोड़ी देर पहले नहीं आधे घंटे पहले करीबन अंदर गया था सर्विस कनाडा के ऑफिस के अंदर। अब फिर से जो मेरे कान है वो जाम हो रहे हैं ठंडी की वजह से। कहाँ है स्कॉशिया बैंक? नहीं है, पीछे गई। तो अपने यहाँ क्यों जा रहे थे? नेट पे सर्च करते हैं ना। चलो यार अब ठंडी बहुत लग रही है मेरे को, फिर से मेरे हाथ जाम हो रहे हैं, तो मैं कर रहा हूँ वीडियो को बंद। अब स्कॉशिया बैंक में अगर मैं जाऊँगा तो पक्का 100% आपका भाई आपको दिखा देगा कि स्कॉशिया बैंक में किस तरीके से क्या रहता है। लेकिन स्कॉशिया बैंक में से नहीं जा सकते, मैंने एक वीडियो में देखा था ऑनलाइन, वो बोल रहे थे कि पहले आपको प्रायर अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट तो सर्विस कैनेडा में भी बुक करनी पड़ती, पर हमारा हो गया 9% में। बीच में एक अद्भुत नजारे आ गए थे तो मैंने सोचा क्यों ना उसको भी रिकॉर्ड कर लिया जाए ताकि मेमोरी में रहे ना यार कि फर्स्ट टाइम आके क्या किया। तो अभी सामने की तरफ मेरे को एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा बर्फ से ढका हुआ एक पार्क जैसा दिखा है, जहाँ कुछ लोग घूम रहे हैं इसका मतलब वो है पार्क, और कुछ लोग दौड़ रहे हैं इसका मतलब 100% वो है पार्क। तो वहाँ जाने की जरा कोशिश जारी। We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. ये भाई बर्फ पे जा सकते हैं? देख वो लड़की तो घूम रही है। Through the wastelands, through the highways, and I... आपको जो मैंने बोला था कि वो पार्क है तो वो पार्क नहीं था, एक्चुअल में वो थी मैकगिल यूनिवर्सिटी, जो कि मेरे पीछे आप देख सकते हो ये पार्क जैसा ही लग रहा था, लेकिन एक्चुअल में ये है यूनिवर्सिटी मैकगिल, जो बहुत ही जानी मानी और अच्छी यूनिवर्सिटी है। Thousands, and we'll grow in number,